वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी वन स्टूडेंट्स. टूडे वी विल डिस्कस द सेकेंड चैप्टर ऑफ योर मैरीगोल्ड, दैट इज वंडरफुल वेस्ट. ओके, समटाइम्स यू कैन सी दैट वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल. जो वेस्ट होता है, जिन चीज़ों को आप फेंक देते हो, वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं. ओके, एंड दैट इज फाउंड फॉर योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी. आप इस स्टोरी से इस चीज़ को देख सकते हो. सो लेट स्टार्ट द स्टोरी नाउ. वंस द महाराजा ऑफ ट्रेवनकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस. एक दिन महाराजा किसके थे, ट्रेवनकोर के. उन्होंने एक ग्रैंड डिनर को क्या किया, ऑर्गेनाइज किया, ऑर्डर किया अपने महल में. इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट. एक बार फिर वो आफ्टरनून में आते हैं और क्या करते हैं, डिशेस को सर्वे करते हैं कि किस तरह से जो कुक है उसने डिश को प्रिपेयर किया है फीस्ट के लिए. व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स. इन वेजिटेबल स्क्रैप्स के साथ तुम क्या करना चाहते हो, ही आस्क्ड द कुक. उन्होंने कुक से पूछा. पॉइंटेड टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक रिप्लाइड. तो कुक ने क्या रिप्लाई किया, दे आर वेस्ट. अरे ये तो वेस्ट हैं, वी विल थ्रो देम अवे. हम इन्हें फेंक देंगे. यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेज ऑफ वेजिटेबल्स, फाइंड अ वे टू यूज देम. द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉक्ड अवे. महाराजा ने उसे कमांड दी और वहां से चला गया और कहा कि आपको इन्हें यूज करने का कोई तरीका ढूंढना चाहिए. यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स. तुम इन बिट्स और बिट पीसेज ऑफ वेजिटेबल्स को नहीं फेंक सकते. द कुक वॉज इन अ फिक्स. अब कुक तो था इस सिचुएशन में था, वो लगातार कंटिन्यू देखता रहा. एंड कैप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स. वेजिटेबल स्क्रैप्स को वो कंटिन्यू देखता रहा. डेट वॉट should I do with all these vegetable scraps. Suddenly, look at these pictures. Suddenly an idea flashed across his mind. एक idea उसके mind में आया. क्या आया idea उसके mind में, कि he took all the vegetable bits, washed them and cleaned them well. उसने वेजिटेबल बिट्स को लिया, उन्हें वॉश किया, क्लीन किया. देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, और लॉन्ग स्ट्रिप्स में उन्हें कट किया. ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक. एक ह्यूज पॉट में रखा और उसको आग पर चढ़ा दिया. नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट. नाउ व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ही पुट इनटू दैट डिश. ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट. कुछ फ्रेश कोकोनट थे, ग्रीन चिलीज थी, गार्लिक टूगेदर. ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम पेस्ट ही एडेड एंड सम सॉल्ट. कुछ सॉल्ट को एड किया टू द कुकिंग वेजिटेबल्स. अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट. एक बहुत ही टेम्पटिंग स्मेल उस पॉट से आ रही थी. आफ्टर दैट वॉट डिड ही डू. He whipped some curd. उसने कुछ curd को whip किया and added to the curry. और उस curry में add किया. He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. उसने कुछ coconut oils के spoons को pour किया और उस dish को decorate किया curry leaves से. Lo and behold, the new dish was ready. अरे देखिए, जो डिश है वो रेडी हो चुकी थी. द कुक सर्व्ड दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग. कुक ने उस डिश को सर्व किया उन गेस्ट को उन इवनिंग को, उस शाम को. एंड एवरी वन वॉज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश. और हर कोई उस न्यू डिश का नाम जानना चाहता था. द कुक थॉट एंड थॉट. और कुक ये सोच रहा था. देन अ नेम केम टू हिज माइंड. एक नाम उसके माइंड में आया. He named it Avial. What is the name? Avial. A-V-I-A-L. Avial become famous all over Kerala and it's now one of the dishes in a traditional Kerala feast. जो Avial है वो अब Kerala की बहुत famous dish है और उसे traditional Kerala feast में बनाया जाता है. And imagine it all come from a basket of waste. और आप इसको imagine कर सकते हो कि जो चीजें वो cook फेंकने जा रहा था, that is a waste for him. And now a wonderful dish has made from these vegetable scraps, that is Avial.
ओके एंड ऑल इट कम्स फ्रॉम द बास्केट ऑफ वेस्ट। और ये सारी जो वंडरफुल डिश है वो कहां से आई, बास्केट ऑफ वेस्ट। दिस इज द वंडरफुल स्टोरी एंड यू ऑल कैन नो द इम्पोर्टेंस ऑफ वेस्ट। यू कैन मेक व्हेन देयर इज एनी वेस्ट थिंग एंड यू वांट टू डू समथिंग क्रिएटिव देन यू कैन यूज दिस वेस्ट इन योर लाइफ ओके एंड मेड अ वंडरफुल डिश और एनी थिंग दैट मेक्स यू वंडरफुल और दैट क्रिएट्स अ वंडरफुल थिंग। इन अ फिक्स, नाउ फर्स्ट वर्ड इज इन अ फिक्स, अ सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम, एक ऐसी सिचुएशन जिससे आप भाग नहीं सकते। फ्लैश अक्रॉस द माइंड, सडनली थिंक ऑफ, अचानक सोचना। लो एंड बिहोल्ड, लुक वॉट अ सरप्राइज, वॉट अ सरप्राइज। ट्रेडिशनल फीस्ट, हार्टी मील फॉर मेनी गेस्ट सर्व्ड ऑन अ स्पेशल ओकेजन। वॉट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, वॉट वर द प्रिपरेशंस इन द पैलेस फॉर, जो पैलेस था उसमें प्रिपरेशंस क्यों थी। द प्रिपरेशंस इन द पैलेस फॉर द फीस्ट दैट विल हेल्ड इन द आफ्टरनून। Why did the Maharaja go into the kitchen in the afternoon? Maharaja went into the kitchen in the afternoon to survey the dishes that will prepared in the feast. What had the cook planned to do with the vegetable scraps? The cook had not planned anything to do with the vegetable scraps. He washed the vegetable bits and scraps and then he made a wonderful dish from these vegetable scraps. Okay. इंग्रेडिएंट्स आपको दिए गए हैं जो एवियाल में उसने यूज किए थे, आपको इन इंग्रेडिएंट्स को क्या करना है, सर्कल करना है। सो व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स, चिलीज, वेजिटेबल स्क्रैप्स, कोकोनट कर्ड, पॉट, गार्लिक और बास्केट और करी लीव्स। नाउ स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस, ट्रू। नो वन हैड हर्ड और tasted aviar before, yes true. The cook had planned to make another dish using the vegetable scraps, false. Now a recipe of directions, there is a list of directions to prepare a dish. The following sentences are not in order, order में नहीं है और आपको उन्हें क्या करना है, order में लगाना है। तो order क्या होगा, उसका correct order क्या होगा, जिसको आप उस dish को बना सकते हो one by one, क्या procedure होगा उसका। So the at number one, wash and clean the mix of vegetable bits. At number two, cut the vegetable scraps into long strips. At number three, grind some coconut, green chilies and garlic. At number four, whip some curd and mix it in. At number five, pour some coconut oil on top. At number six, decorate with curry leaves. At number 7 aviar is ready. Okay, next is choose 5 things that you do when you reach home from school. कर सकते हो आप, कौन सी ऐसी चीजें करते हो जब आप स्कूल से जाते हो। Put away school bag. Okay, chat with mummy about school, sleep for a while, wash up, do the homework, watch TV, go to play and change out of school uniform. तो इसको आप लिख सकते हो, फर्स्टली क्या करते हो, सबसे पहले आप जाते हो एंड पुट अवे योर स्कूल बैग, देन आफ्टर दैट यू विल चेंज योर स्कूल यूनिफॉर्म, आफ्टर दैट यू विल चैट विद योर मम्मी अबाउट स्कूल, यू विल हैव लंच, यू विल स्लीप फॉर अ वाइल, इन द इवनिंग यू विल गो फॉर अ प्ले, ओके एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज Make new words by adding, dropping a few letters from the root word. Some are done for you, जैसे pounded, okay, and tried, drawing, large, larger, largest, newer, newest, tasted, tasting, tastier, tastiest, wiser, wisest, stared, staring, clean, cleaned, cleaning, cleaner, cleanest, okay. Do any of these words use all of four endings. And what is the word? Cleaner, cleanest and cleaned, cleaning. Okay. So, and next is,
एवियल इज अ डिश मेड इन केरला. डू यू हैव अ सिमिलर डिश इन योर स्टेट मेड फ्रॉम अ मिक्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स. तो आप उसको मिक्स वेजिटेबल भी लिख सकते हो. नाउ नोट डाउन द इंग्रेडिएंट्स. क्या इंग्रेडिएंट्स आपने उसमें यूज किए. राइट डाउन द रेसिपी. रेसिपी लिख सकते हो उसकी आप. ओके सो दिस इज ऑल यू कैन डू एंड दीज आर द एक्सरसाइजेज. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल. ओके थैंक यू.